एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। कुछ वैसा ही हो रहा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने मालदीव के अभी के राष्ट्रपति को कहा, जिद छोड़ दो, अब तो तुम्हारे सामने दिख रहा है सब कुछ। दरअसल सऊदी, यूएई, सऊदी और भारत तीनों ने गजब ढा दिया है। अब मालदीव के ऊपर ड्रोन लेना इतना महंगा पड़ेगा, मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने कभी भी नहीं सोचा होगा। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस के एक्सपर्ट ये क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने बहुत बड़ी भूल कर दी है भारत से पंगा लेकर। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह सीआईएस न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था, एक जमाना था, जब थोड़ा थोड़ा करके दो दो इंच, चार चार इंच, पांच पांच इंच करके जमीने चाइना घिसकाता रहा, दूसरे की कब्जा करता रहा, जिसे स्लाइसिंग टेक्निक कहा करते थे। लेकिन ये जो इस बार गलवान में हुआ ना, इसने एकदम से सारी सोच को ही पलट कर रख दिया। गलवान में जब ये चीजें हो रही थी तो शायद ये सोचा नहीं था चाइना ने कि भारत इस तरीके से रिप्लाई देगा। और यहाँ पर चाइना को एक भारी भूल हो गई। और भूल क्या हुई कि वो अंदाजा नहीं लगा सका भारत के सैन्य क्षमता का और सैन्य पलटवार का। डिफेंस एक्सपर्ट है ब्रह्मचिलानी। ब्रह्मचिलानी का कहना है कि चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग के लिए भारत की जमीन हड़पना ना चाइना के लिए एक डिप्लोमेटिक समस्या बन गया। ऐसे में अब जिनपिंग के सामने एक ही चीज है और वो बहुत बड़ी चुनौती है कि बिना हारे भारत के साथ हिमालय में जारी संकट कैसे दूर करें। LAC में इस वक्त क्या सीन है, भारत की तरफ से भी 1,00,000 सैनिक है, तो वहीं अकेले लद्दाख की बात हो रही है, चाइना की तरफ से भी 1,00,000 सैनिक है, एक दूसरे के आमने सामने है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि इंटरनेशनल मीडिया में ये सुर्खियां नहीं बटोर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया को लग रहा है कि दोनों की सेनाएं तैनात हैं लेकिन लड़ाई नहीं होगी। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत भी पहले बातचीत के मामले से ही इस लड़ाई को रोकना चाहता है। भारत भी बातचीत करना चाहता है और बातचीत के माध्यम से हल करना चाहता है। पर मोदी सरकार ने चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया, कुछ चीनी कंपनियों द्वारा निवेश को भी रोक दिया, कथित तौर पर टैक्स और विदेशी मुद्रा उल्लंघन पर दूसरी चीनी कंपनियों के खिलाफ ED की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि भारत ने अभी कोई बहुत बड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में व्यापार चल रहा है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो अचानक से लगाया भी नहीं जा सकता। पिछले 4 सालों से हजारों चीनी सैनिक हिमालय की सीमा पर बड़ी ही कठोर परिस्थितियों में तैनात हैं। आपको बता दें, चाइना तो अपने PLA के सिपाहियों पर निर्भर है, जबकि भारत के पास माउंटेन वॉर में बढ़िया अनुभव रखने वाले अद्भुत लोग हैं। कहा जाता है कि दुनिया में पर्वतीय लड़ाई में अगर किसी के पास बहुत बढ़िया अनुभव है तो वो भारतीय सेना है, और भारतीय सेना का टक्कर दुनिया में कोई नहीं ले सकता है अगर पर्वत की लड़ाई है तो। अब चाइना जैसे जैसे दुश्मनी को बढ़ा रहा है, वैसे वैसे भारत अमेरिका के नजदीक होता जा रहा है। और कहीं ये और ज्यादा हुआ तो समझ लीजिए, चाइना का परमानेंट दुश्मन अगर भारत बन गया तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी चाइना के लिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो देश देख रहे हैं मालदीव और इनके जो राष्ट्रपति देख रहे हैं मुइजू, एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अजल गगरी छलकत जाए। कुछ वैसा ही मुइजू के साथ हुआ। न जाने मुइजू ने सपने में क्या क्या देखा और क्या क्या देखने के बाद ये राष्ट्रपति पद पाते ही एकदम से बिना इंतजार किए, बिना सलाह मशवरा किए इन्होंने एक्शन शुरू कर दिया। कहा तो जाता है कि 4 दिनों बाद ही इन्होंने एक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले तुर्की दौड़े, तुर्की में वहाँ बातचीत करी, डील भी फाइनल कर ली ड्रोन की, और फिर वहाँ से वो चाइना पहुँच गए। चाइना में जिनपिंग से मुलाकात कर ली, मुलाकात के बाद 20 MOU भी साइन कर लिए, फिर सिर्फ
इतना ही नहीं, मालदीव वापस आए, भारत के सैनिकों को निकलने का आदेश दे दिया। भारत के सैनिकों का एक जत्था निकल भी गया और उसके बाद तुर्की का ड्रोन भी पहुंच गया। एकदम फटाफट हो रहा था सब काम, पर कहते हैं ना, जल्दी का काम बड़ा मुश्किल वाला होता है। और अब मुइजू को समझ में आ रहा है। हाल फिलहाल में आपने ये खबर देखी होगी जिसमें मुइजू ने कहा कि भारत तो हमारा एकदम नज़दीकी दोस्त है, यार है, और हमारे लोन को लेकर थोड़ा सोचो। ये वाला सीन इस वक्त देखने को मिल रहा है मुइजू को। लेकिन इसके अलावे भी दो और देश हैं जो बहुत भारी पड़े हैं मालदीव के ऊपर। दरअसल स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पूर्व राष्ट्रपति हैं सोलिह, और सोलिह का कहना है कि मुइजू को अब जिद छोड़ देनी चाहिए, मुइजू को अपने पड़ोसी से बात करनी चाहिए। भारत की वजह से मालदीव संकट में नहीं है, बल्कि चाइना की वजह से मालदीव संकट में है। चाइना के लोन हमारे ऊपर 18 अरब मालदीवियन रुपए हैं, भारत के तो मात्र 8 हैं। और अब जाकर मुइजू को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, मुइजू को और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इन्होंने कहा कि मुइजू के अड़ियल रवैये की वजह से हमारे से दोस्ती बहुत सारे लोगों की टूट रही है, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत से टूट रही है, सो टूट रही है, मध्य पूर्व के देशों से भी टूट रही है, सऊदी और यूएई के साथ भी हमारी दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही है। अब ये आपको एक झटका लगेगा, लेकिन जी हाँ, ये है। और इसे लेकर सोलिह ने इस बात को भी कहा कि मिडिल ईस्ट के देश जब हम मदद मांगने के लिए अब जा रहे हैं, यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू जा रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट के देश तारीख पकड़ा रहे हैं। उन्होंने बड़ा ही चुटीला अंदाज में कहा, उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के उठाए गए कदमों की वजह से मध्य पूर्व में हमें अब तक केवल 50 टन तारीखें ही मिली है। सोलिह का इशारा था मुइजू को तुर्की से रिश्ते बढ़ाने और अर्दोगन को खलीफा बताने जैसे कदमों की ओर। आपको याद होगा, सऊदी और यूएई दोनों ही देश अपने आप को प्रमुख मानते हैं और ज़्यादातर मुस्लिम देश उन्हें प्रमुख मानते भी हैं। अब यहाँ अर्दोगन की एक दिली ख्वाहिश थी कि वो खलीफा बने, और खलीफा मतलब जितने मुस्लिम देश हैं उनका मुखिया बने। मुखिया है सऊदी अरब। मालदीव ने ड्रोन लिया और ड्रोन आने के बाद इनके अंदर का सारा प्यार उमड़ कर बाहर आ गया और इन्होंने एक तरीके से अर्दोगन को खलीफा ही बता दिया। अगर आप एक को खलीफा बता रहे हैं और जो असली खलीफा है उससे मदद मांगने जा रहे हैं, तो वो आपको क्या देगा। इसीलिए कहते हैं, अधिक सयानों जाए ठगानों। अब सोलिह ने कहा है कि जिद छोड़कर वापस से देशों के पास चलो, पड़ोसियों के साथ रिश्तों को ठीक करो, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा है और आने वाले समय में तुम्हें और भी ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।